यहाँ पर देखिए, अगर शायद धरातल से आकर पंचायतों में लोगों को देखते, उनके घर में घूमते, तो आपको भी समझ में आ जाता किसे आवाज देना है किसे नहीं देना है। उसकी माँ का खाते में पैसा आ चुका है, उसका दो काला मकान है, उसका चार चक्का की गाड़ी है, और मेरे घर कुछ नहीं तो बच रहा है। जो आदमी अंगूठा लगाता है वो इंटरनेट से कैसे निकालेगा बताइएगा वीडियो साहब, और जिला स्तर पर बैठे अधिकारी भी बताइएगा ये आदमी इंटरनेट जानता है, कंप्यूटर देखे हैं चाचा जी? ना चलाए हैं, मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल भी नहीं चलाते, मोबाइल भी नहीं चलाते हैं। ये आदमी इंटरनेट से सूची, अपना आवाज सूची कैसे देख सकता है? ऐसा भी घुटनी प्रखंड में गांव है जहां पिछले कार्यकाल 5 सालों में 450 के आसपास आवाज आया था, जिसमें मुखिया द्वारा 20,000 वसूला गया था, मतलब 70 से 80 लाख मुखिया उसमें कमाए थे। ये पूरा टूट चुका है, आइए आइए थोड़ा अंदर आइए, ये पूरा टूट चुका है। वीडियो साहब देख लीजिए, ये हाई फाई नहीं है, ये पूरा टूट चुका है। शायद जब बोली कि मेरे घर पर आइए, आप देख लीजिए, शायद आप आ गए होते तो इनका घर देख लिया गया होता, अरे वीडियो न्यूज नहीं मार के बाजार में निकलता। मंत्री है, उसके बाद हमको हटा दिया गया, हम चले आए घर पर, कहे कि ठीक है हम आपको बताएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, किस रास्ते से लड़के हम लेके अपना आवाज छोड़ेंगे नहीं, दी हम तक पहुंचेंगे लेकिन हम नहीं के छोड़ेंगे। इसे आप अपना प्रतिनिधि चुने हैं, वही लोग बंदर बात करने के लिए इसे उजागर नहीं कर रहे हैं, कहीं भी लेखन पट पे लगा नहीं रहे कि लोग जान जाएंगे। मुखिया का दायित्व है, वीडियो और मुखिया का सक्षम पदाधिकारी का दायित्व है कि पंचायत भवन पर लेखन करावे पेंट से, ताकि प्रतीक्षा सूची हर आदमी देख सके, जिससे धांधली बचेगा, धांधली नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा प्रखंड में। मुझे भी खुशी हो रही है कि जनता अब जागृत हो रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बंदर बाट के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत अब जनता के बीच में आ रहा है। अब जनता जब जागृत होगा तो मैं भी साथ दूंगा उन लोगों का। इंदिरा आवास व पीएम आवास योजना में धांधली को लेकर हम लोग इस समय सिवान जिले के घुटनी प्रखंड के पूर्व विधायक रामायण माझी के गांव ग्यासपुर में आए हुए हैं। यहां पर हम धांधली को दिखाएंगे, अभी तो इसका टेलर दिखाएंगे आज, और कल या परसों से इसका पूरा विस्तार से वृतांत मूवी दिखाएंगे। इसमें ब्लॉक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी इसमें कैसे धांधली कर रहे हैं, और आपके पंचायत के मुखिया भी इसमें शामिल है। आपको मालूम ही होगा कि आवास योजना जो है इसमें हर मुखिया हिस्सा लेते हैं अपना, एक आवास पर 20,000 से 30,000 लिया जाता है। कई ऐसे घर है जिसकी बिल्डिंगें पिट गई है, कई ऐसे लोग हैं जो कई साल पहले मर गए हैं और उनके खाते में इस समय पैसा आ रहा है। अब उस पैसे को ये लोग कैसे निकाल रहे हैं, आपस में बंदर बाट कैसे कर रहे हैं, वो हम लोग दिखाएंगे। अब आइए यहाँ पर इनसे थोड़ा बात करते हैं। ए रामजी राय हैं, ग्यासपुर के हैं, बलुआ पंचायत के, और इन्हें भी धांधली थोड़ा दिखी है इसमें, तो ये हम लोग को यहाँ पर बुलाए हैं। वैसे घुटनी प्रखंड में मैं हर मामला उठाता रहता हूँ, अब आवास योजना को लेकर, इंदिरा आवास योजना, पीएम आवास योजना को लेकर घुटनी प्रखंड में हर पंचायतों में खुलासा करूंगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिस्ट है पूरा बलुआ पंचायत का, यहाँ पर देख सकते हैं बलुआ पंचायत में कितना आया है चाचा, यहाँ पर देख सकते हैं बलुआ पंचायत में 65 आवास आया है, और इसमें ये मेहनत किए हैं, थोड़ा और पास आ जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट में दिए हुए हैं, जहां जहां ओके लिखे हुए, थोड़ा पकड़िएगा चाचा, जहां जहां ओके लिखे हुए हैं इनके खाते में पहला किस्त आ गया है, यानी 40,000 आ गया है। अब पूरा लिस्ट जो गांव के हिसाब से लिखा हुआ है, किसी पूरा बरसुहारी, ऐसे ऐसे बहुत गांव हैं। यहाँ पर सन 2021-22 वाला है, बलुआ पंचायत है, लाभार्थी की सूची है, और कोई भी इंटरनेट से इसे निकाल सकता है। इस समय कोई भी जा रहा है वीडियो साहब से मांगने ब्लॉक पर, इसकी सूची जो लाभार्थी है प्रधानमंत्री आवास योजना के, इसकी सूची कोई भी मांगने ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो बोल दे रहे हैं कि नेट पर चढ़ा हुआ है, आप जाकर देख ले। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं, ये हमारे साथ चाचा बैठे हुए हैं, इनके जो लड़के हैं रिक्शा चलाते हैं, और इनका आवास नहीं है, पलानी है, पलानी है ना आपका? जी जी पलानी है, ध्यान से देखिएगा, अरे है अंगूठा छाप, और इनका मैं दिखा देता हूँ, एक कागज है जहां पर ये आवेदन, कल ये लोग धरना देने जाएंगे ब्लॉक पर,
यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग आवेदन दिए हैं श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय प्रखंड गुटनी जिला सिवान बिहार ग्राम पंचायत बलुआ के प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली अनियमितता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना के संबंध में, यानी कल ये लोग जाएंगे धरना देने, दरखास्त देंगे और इसमें लिखा हुआ है धरना के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ, अब ये चाचा है, अब ये लिखे हुए हैं ना यहाँ पर देख सकते हैं अंगूठा लगाए हुए हैं, इनका नाम है गोपाल राजभर और इन्हें गए थे सूची मांगने के लिए वीडियो साहब के पास, तो वीडियो साहब बोले थे इंटरनेट पर है आप जाकर निकाल लीजिए, जो आदमी अंगूठा लगाता है वो इंटरनेट से कैसे निकालेगा बताइएगा वीडियो साहब, और जिला स्तर पर बैठे अधिकारी भी बताइएगा ये आदमी इंटरनेट जानता है, कंप्यूटर देखे हैं चाचा जी ना, चलाए हैं मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल भी नहीं चलाते, मोबाइल भी नहीं चलाते हैं, ये आदमी इंटरनेट से सूची अपना आवास सूची कैसे देख सकता है या कैसे निकाल सकता है, और इसमें विधिवत लिखवाए हुए हैं किसी से, और इसमें तो ये अंगूठा दिए हैं कि मेरे मन में ये है, ये भड़ास मुझे अधिकारियों के पास जो अंदर है पहुंचाना है, तो ये बोले हैं दूसरा कोई लिखा है इनका सिग्नेचर अंगूठा है इस पर, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची सन 2019-20 में नाम होने के बाद भी प्राथमिकता के अनुसार हम झोपड़ी वालों के आवास से वंचित कर पक्का मकान वालों को ही आवास का आवंटन बड़े पैमाने पर कर दिया गया है, और तो और आवास सहायक रविशंकर और मुखिया के मिली भगत से पंचायत में कहीं भी प्राथमिकता नहीं लगाया गया है, यानी प्राथमिकता सूची नहीं लगाया गया है, जिसके चलते पैसे वालों को आवास का लाभ दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो पंचायत भवन होता है उसमें प्राथमिकता सूची लगती है, लेखन में वहां पे सूची लगाया जाता है कि आवास किसको किसको मिलने वाली है या मिल गई है, और इस समय किसी गुटनी प्रखंड या बिहार में कहीं भी पंचायत भवन में लेखन सूची नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। अब चाचा भी बोल रहे हैं नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, किसी को गरीबों को मालूम नहीं चल रहा है कि किसके नाम पर आवास आ रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि जिसे आप अपना प्रतिनिधि चुने हैं वही लोग बंदर बात करने के लिए इसे उजागर नहीं कर रहे हैं, कहीं भी लेखन पट पे लगा नहीं रहे हैं कि लोग जान जाएंगे। मुखिया का दायित्व है, बीडीओ और मुखिया का सक्षम पदाधिकारी का दायित्व है कि पंचायत भवन पर लेखन करावे पेंट से, ताकि प्रतीक्षा सूची हर आदमी देख सके, जिससे धांधली बचेगा, धांधली नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, माने जरूरतमंद आदमी को पाले मिल जाएगा। ये बात सही है, अगर लेखन सूची पंचायत भवन में लगता तो इसमें धांधली नहीं होता, जनता आवाज उठाती, लेकिन ये बंदरबाट करने के लिए ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी वैसे ही आ गए बंदरबाट करने वाले, और हमारे प्रतिनिधि भी बंदरबाट करने वाले ही है, जो हमारे बीच में ही आप लोग जिसे चुन रहे हैं वही चोर निकल जा रहा है, और अधिकारियों के साथ मिलकर आप ही के बनाए गए, आप ही के वोट से आपके राजा बना हुआ है, लेकिन आप ही के पैसों से बंदरबाट अधिकारियों से मिली भगत में कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जिसके चलते पैसे वालों को आवास का लाभ दे दिया जा रहा है और हम निर्धन झोपड़ी वाले को आवास के लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है, अतः आप महानुभाव से सागर अनुरोध है कि समय रहते आप स्वयं या अपने अन्य किसी अधिकारी से जांच करा ले, अन्यथा इस आवेदन प्राप्ति के सातवें दिन से हम सभी झोपड़ी वाले ग्रामवासी अपने प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी आप होंगे। अब यहाँ पर देखिए, धरना देने से पहले ये लोग आवेदन दे देंगे, सतर्क कर देंगे, आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण जाकर धरना दे देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बंदर बाट के खिलाफ, गरीबों को परेशान करने के खिलाफ। अब देखते हैं यहाँ पर आप वीडियो साहब को ही बस दे रहे हैं, वीडियो साहब को जिला पर किसी अधिकारी का भी इस पर नाम क्यों नहीं लिखे, नहीं देखिए आप लोग आवेदन देने के पहले गलती क्या करते हैं, नहीं इस पर कॉपी संलग्न किया जाएगा जिला पदाधिकारी को और लोक जन शिकायत निवारण केंद्र को, संभव होगा तो हम सचिव के यहाँ पटना भी इसको ऑनलाइन करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर देखिए जो आवेदन लिखा जाता है इसमें यहाँ पर जरूर दर्शाना चाहिए कि मैं इस अधिकारी के पास भी इसे देना है मुझे, आपको लिखना चाहिए ऊपर पर या साइड में कहीं भी लिखना चाहिए, सूचनार्थ प्रेषित कर दे, अभी कल देना है ना, हम सूचनार्थ प्रेषित कर देंगे किनको किनको देना है, और रिसीविंग के बाद आपको फाइनली हम दे देंगे कि किनको किनको। अब इससे देखिए, जो आवेदन देता है छोटे अधिकारियों को देता है तो इस पर छोटे अधिकारियों के नाम से होता है, अब ये उसी के नाम से होगा तो ये आवेदन को छिपा सकता है, अब इस पर आप लिख सकते हैं सूचना में कि किसको किसको सूचना प्रेषित में
किसके पास आप भेजे, डीएम के पास भेजे, पटना के पास भेजे, मुख्यमंत्री के पास भेजे, ये सब लिखेंगे तो ये इन लोगों के पास डर रहेगा कि इनके इनके पास गया है, तो ये सब आपको कर देना चाहिए। कल हो जाएगा, कल कर दीजिए, कल हो जाएगा, सूचना प्रेषित कल दे दिया जाएगा उनको, आवेदन देने का टाइम और इसी भी मिल लिया जाएगा। अब चलिए, घुटनी प्रखंड में मुझे भी खुशी हो रही है कि जनता अब जागृत हो रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बंदरबाट के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत अब जनता के बीच में आ रहा है। अब जनता जब जागृत होगा तो मैं भी साथ दूंगा उन लोगों का, जो जनता पीछे भाग जाता है, जो वीडियो बनाने पर कमेंट उल्टा सीधा करता है, उसका साथ तो मैं दे नहीं सकता। भाई ये माता जी क्या कहना चाहती है, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे चलिए, आप क्या बोलना चाहती है? वीडियो साहब से हम बोले सर कि सर हमारा खपड़ा है सर, यही रहने खपड़ा है सर इनका। देखिए इनका, हम लोग यहाँ पर आए हैं तो चाचा थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, एक मिनट अभी बोलने कम होगा। जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो आपका घर कौन है? अब इनका ये किसका घर है? ये हमारा भतीजा का है। अब इनके घर पे चलते हैं, किसी का, अब ये राजभर जी हैं, गोपाल राजभर जी, आपका गोपाल राजभर जी ना नाम है, गोपाल राजभर जी, इनका झोपड़ी है, कभी आग भी लग गया था तो पुराने वीडियो साहब थे वो इनको आवास नहीं दिए थे। अब इनका देखिए खपड़े का घर है, अब इधर ले जाएंगे, आज पूरा नहीं दिखाएंगे, आज शॉर्ट में दिखाएंगे आप लोग को, इधर ले जाएंगे पूरा, इधर राजभर लोग हैं, पूरे लोग पलानी में रहते हैं, किसी के नाम से आवास नहीं आया है, लेकिन बलुआ पंचायत में जिसकी बिल्डिंगे हैं उनका आवास आ गया है। ऐसे कई घुटनी प्रखंड में कई ऐसी गांवें हैं, ले चल के दिखाएंगे। अभी ऐसा ऐसा भी घुटनी प्रखंड में गांव है जहां पिछले कार्यकाल 5 सालों में 450 के आसपास आवास आया था, जिसमें मुखिया द्वारा 20,000 वसूला गया था, मतलब 70 से 80 लाख मुखिया उसमें कमाए थे। और इन कार्यकाल 5 सालों में मैं उजागर करूंगा, घुटनी प्रखंड में दिखाऊंगा जितने भी आवास आई है। इस समय हम लोग बलुआ पंचायत के ग्यासपुर में स्थित थे, इनका घर है खपड़ा का, क्या नाम है? रीता देवी नाम है, कई दिनों से ब्लॉक पे दौड़ रही है आवास के लिए, अभी तक इनका आवास नहीं मिला है। क्या हुआ? रविशंकर ने आया था, बोला था 5,000 रुपया दे दीजिए, तो हमने कहा कि पहले आज खाता में भेजिए, उसके बाद हम दे देंगे, उसके बाद जाकर के वो रवि कौन है? रविशंकर, रविशंकर आवास सहायक है, आवास सहायक है रविशंकर, घुटनी प्रखंड का बलुआ पंचायत का। हम बीडीओ साहब के पास गए, बीडीओ साहब सर ऐसा है कि हम आशा में काम करते हैं, मेरा खपड़ा का घर है, हमको दिया जाए सर, 2018 से हम अभी तक इंतजार करते करते अभी काट दिया गया, पक्का लिख दिया गया, हमने पैसे नहीं दिया। तो आपके घर कोई कमाने वाला? कोई कमाने वाला नहीं है, पति घर में है, बेटा जो है घर में है, सब लोग घर में है, ऐसा काम करते हैं, कोई सरकारी मानदेय नहीं है हम, हमारे पास बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए जिसकी सरकारी मालदेय है उसके घर आवास मिल जा रहा है। चाचा मिला है ना, कोई शिक्षा विभाग में है, आप बोल रहे तो उसके घर बिल्डिंग भी है, 2 तल्ला घर है, शिक्षा में है और उसको मिल गया, मिला है बसुआरी में, बसुआरी मिला, गृह रक्षा वाहिनी में है, बिहार सरकार का, उसको भी मिला है। हाँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे बलुआ पंचायत में, इस बार 65 में ऐसे कई लोग होंगे जिसका बिल्डिंग है, पक्का मकान है, उन लोगों का आवास मिल गया, 90% पक्के मकान वालों को मिला है, 90%। 65 में हमको हमारे ख्याल से लगभग 55 आदमी पक्का मकान वाले हैं, 10 आदमी झोपड़ी वाले होंगे तो होंगे, नहीं तो 55 आदमी का तो पक्के मकान है। अब यहाँ पर देखिए बीडीओ साहब आपको बोले हाई फाई आदमी, जी हमसे बोले बीडीओ साहब सर, बोले कि प्रणाम सर, हमारा जो जल के आप जांच कर लीजिए, तो सर बोले आप हाई फाई है देने लायक योग्य नहीं है, हम नहीं देखने जाएंगे, हम तो लाग उठ करके चले आए, हम जिला के जिला मंत्री हैं, उसके बाद हमको हटा दिया गया, हम चले आए घर पर, कहे कि ठीक है हम आपको बताएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, किसी स्तर से लड़के हम लेंगे अपना आवाज, छोड़ेंगे नहीं, डीएम तक पहुंचेंगे, लेकिन हम लेके छोड़ेंगे। जिला मंत्री है भाजपा के, इनके पति है राम जी, राम जी राम यही है, इनके पति गौ सेवा करते हैं, पशुपालन में है, 2 गाय रखे हैं, और कृषि हमारा गौ सेवा हमारा काम है, बस एक आशा कर्ज करते हैं, क्या हाई फाई है हम, हाई फाई शायद वो अगर ग्राउंड जीरो से या धरातल पर उतरते गांव में घूमते तो मालूम चल जाता कहां कहां आवास मिला है, ऑफिस में बैठते बैठने से नहीं पता चलेगा कि कौन हाई फाई है कौन गरीब है, और वहां पर उनके कर्मचारी ही जाकर बताते हैं साहब ये गरीब है, हाई फाई को वहां पर जाकर गरीब दर्शाया जाता है और वो उसको आवास दिया जाता है। अब यहां पर देखिए वीडियो साहब इन्हें हाई फाई बोल रहे थे, यहां पर देखिए इनका घर, देखिए एक घर टूट रहा है, ये वाला है, अब यहाँ पर देखिए इसी में रहते हैं क्या इस समय आप लोग, अब यहाँ पर देखिए ये छोटे से, अब ये तो गिर जाएगा अंदर रहने का, अंदर गिर गया, चलिए अंदर भी वीडियो साहब थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, यही घर है,
यही मकान है, चलिए अंदर थोड़े दिखाते हैं। ये पूरा टूट चुका है, आइए आइए थोड़ा अंदर आइए, ये पूरा टूट चुका है। वीडियो साहब देख लीजिए, ये हाई फाई नहीं है, ये पूरा टूट चुका है। शायद जब बोली कि मेरे घर पर आइए, आप देख लीजिए, शायद आप आ गए होते तो इनका घर देख लिया गया होता। अरे वीडियो न्यूज नहीं मार के बाजार में निकलता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहीं पर ये घर बनाती है, यहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं, इसी घर में लोग रहते हैं। अरे कभी भी गिर सकता है। क्या है इसमें, आप लोग सोते कहाँ हैं? भाई देखिए वीडियो साहब, ये पूरा टूट चुका है। चलिए बाबा गिर जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर शायद धरातल से आकर पंचायतों में लोगों को देखते, उनके घर में घूमते, तो आपको भी समझ में आ जाता किसे आवाज देना है किसे नहीं देना है। अब चलिए लाकर धरातल से दिखा दिए, अब कल से लाकर पूरा वृतांत दिखाएंगे। ऐसे ऐसे उधर कई लोग हैं बगल में, अब कल दूसरे वीडियो में दिखाएंगे कि जहां पर झोपड़ी में लोग रहते हैं उन लोग को आवास नहीं दिया जाता है। लेकिन घुटनी प्रखंड में ऐसे भी कई गांव हैं जहां पर पूरा दो तल्ला बिल्डिंग है लेकिन उन लोग को आवास मिल गया है। उसकी माँ के खाते में पैसा आ चुका है, उसका दुकान मकान है, उसका चार चक्का की गाड़ी है, मेरे घर कुछ नहीं, तो बता रहा है हमसे चलिए। ऐसे आदमी अगर जागृत हो जाए, वैसे तो ये भाजपा के जिला मंत्री ये आवाज पटना तक पहुंचा सकती है, मुख्यमंत्री के पास। चलिए अब तो वीडियो साहब का कंप्लेंट जिला में जाएगा ही, और देखते हैं कल पूरा इसका विस्तार से दिखाएंगे। आज आधा अधूरा दिखाए हैं, लेकिन वीडियो साहब ने हाथ भी जोड़कर बोला कि सर हम आशा खर्च करते हैं, सर हमको आप अपने स्तर से देख लीजिए, यदि विश्वास नहीं तो अपने स्तर से देख लीजिए। सर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देखेंगे, वही वास इंद्रावास वाला सहायक देखेंगे, रविशंकर जी देखेंगे। रविशंकर गए पैसे मांगने, 5,000 रुपया मांगे, नहीं दिए, उसके बाद से बोल दिए कि पक्का है। कहां पक्का है, जांच कीजिए पक्का है, यदि पक्का होगा तो मेरा बेटे का है, मेरा नहीं है। सुनिए, अगर 100 आदमी को पक्का वाले को दिए हैं, अगर 150 में 100 आदमी को पक्का वाले को दिया है तो एक आदमी को क्यों नहीं देंगे? एक आदमी क्यों छोड़ा जाएगा? सवाल है, आपसे जलन क्यों है? जलन है जब मुखिया को वोट नहीं दिया है। आप कहीं बोले बोले हम इसलिए मुखिया को जलन हमसे है कि हमने मुखिया को वोट नहीं दिया है। ये इंदिरा आवास सहायक रविशंकर जी है, वो मुखिया जी का दरबार करते हैं, चाहते हैं एक इंदिरा आवास पर 5,000 रुपया उनका फीस है, दिया जाता है उनको। अभी 2021-22 में 65 आया है, हम रोज जिसका काउंटिंग करते हैं कितना खाते में पैसा आ गया नेट से, उनका वसूली वो करता है, रविशंकर आदमी रखा है वसूली करने के लिए, और 5,000 मुखिया जी के यानी 3,25,000 मुखिया जी का शेयर है उसमें, है ना। अब चलिए यहाँ पर जीता जागता सबूत आप देख रहे हैं, थोड़ा पीछे चलिए, जीता जागता सबूत देख रहे हैं कि माफी के द्वारा चुने गए मुखिया जो ऊपर बैठ जाता है, जो आप 500 में 1,000 में बिक जाते हैं, वो आप ही से पैसा कैसे कमाता है, वो आप ही को बेचकर कई हजार कमाता है। अब पिछले में 5 सालों के कार्यकाल में बताया कि एक पंचायत ऐसा भी है जहां 450 के आसपास आवास आया था, जिसमें मुखिया द्वारा हर आवास के पीछे 5,000 लिया गया था, यानी 70 से 80 लाख रुपया उसके द्वारा वसूला गया था। और मुखिया एक मुखिया इस समय ट्रेंड हो गया है, 15 से 20 लाख खर्च कर रहा है, जीत जा रहा है। अब आवास योजना या इंदिरा आवास योजना में इतना पैसा कमा रहा है, तो ऐसे कई सारे योजनाएं हैं जिसके तहत वो आपके नाम पर कमा रहा है। अब चलिए ये लाकर यहाँ धरातल से दिखा दिया, आवास बिल्डिंग वाले को मिल रहा है, पैसे वाले को मिल रहा है, लेकिन झोपड़ी वाले गरीब को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर खड़े थे बताए, इनके घर में भी आग लगा था, लेकिन पुराने जो वीडियो साहब थे वो नहीं दिए थे। एक मिनट, क्या बोले थे आपसे? हमसे बोले कि मतलब कहाँ घर है, तो ग्यासपुर, तो बोले कि अपने घर में आग लगा करके झोपड़ी में चले जाते हैं ब्लॉक में। हाँ, तो यहाँ ब्लॉक में थी धरा है अपने घर पर। हम कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये बताइए कोई ऐसा आदमी आकर के अपने घर जला के आएगा?
यहाँ पर देखिए अधिकारी ये सब बोल रहे हैं, अभी इनका घर में आग लगा था, गए थे बोले थे कि मेरे घर में आग लग गया आवास दे दीजिए, तो वहाँ अधिकारी लोग बोले थे कि अपना घर जलाकर आ जा रहे हो आवास मांग रहे हो। अब फिर दूसरे नए जो बीडीओ साहब आए उनके पास गए तो ये बोल रहे हैं कि आप इंटरनेट पर अवेलेबल है आवास के बाद शायद नाम इनका पड़ गया था पिछले बीडीओ साहब शायद डलवा दिए थे, कहने के बाद डलवाए थे ना। अब पुराने सूची में इनका नाम है लेकिन नए सूची में नाम कटवा दिया गया है, हटवा दिया गया है क्योंकि इनके पास मकान नहीं है। क्यों मकान वाले अगर मकान रहता तो शायद इनको आवास गुठनी प्रखंड में मुखिया द्वारा दे दिया गया होता। अब चलिए इसी के साथ मनिंदर सिंह कैमरामैन दीपक मिश्रा के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।